जय 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 गणपति महाराज, तुम्हारी सदा ही जय जयकार। गणपति बप्पा मोरिया, आ गए हैं गणपत बप्पा हमारे आपके घर में। जितने भी अमंगल आपके घर में क्रियाएं हो रही हैं, मंगल ही मंगल करने आ गए हैं गणपत बप्पा मोरिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपत बप्पा आपके आपके परिवार को धन धान से परिपूर्ण रखें, स्वास्थ्य से सुखी रखें और आप हमेशा उन्नत करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ ये मुहूर्त है। आज मैं दो चीज बताऊंगा। उसको सबसे पहले हम बता दें कि घर में होने वाली जो घटना अगर आपको पहले से पता चल जाए तो कैसा रहेगा। आने वाली जो विपत्ति है वो पहले पता चल जाए तो कैसा रहेगा। आपके काम में कहां अड़चन आ रही है ये पहले से पता चल जाए तो कैसा रहेगा। तब इसके बहुत सारे फायदे हैं। कोई घटना, कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप सचेत हो जाएंगे और एक भारी नुकसान से आप बच जाएंगे। किसी काम में समस्या पैदा हो रही हो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा तो उस समस्या को आप प्यार से, जो अड़चन आ रही उसको निकाल देंगे तो आपकी समस्या का समाधान यूं हो जाएगा। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन गणेश चतुर्थी है, आज एक छोटा सा टिप्स आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आज के दिन 21 पत्ते पीपल के लाकर उनको हल्दी से कलर करके, रंगीन करके, पीला करके और उसके ऊपर केसर और कुमकुम से ओम गणपते नमः एक तरफ लिखना और पीछे ओम नमः शिवाय, ऐसे 21 पत्ते, सभी 21 पत्ते पर लिखना और पीले धागे में उनको, यानी छेद करके नहीं, उनकी जो डंठल रहती है वहां पर बांधते हुए एक माला सा बनाना है। वो आपके क्षेत्र में जहां मूर्ति रखी हो या गणेश जी का कोई प्राचीन मंदिर हो, आप इसको ले जाकर गणेश जी के गले में इसको डालें और प्रार्थना करें, हे गणपत बप्पा आप सभी का मंगल करते हैं, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है सदा ही मंगल होता है, तो मेरे परिवार पर, मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, समस्त मानव जात पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धनदान से परिपूर्ण रहें, आपस में सद्भावना बनी रहे। ये आप ऐसा करके डालेंगे, आपको अगले गणेश चतुर्थी तक किसी प्रकार की बड़ी हानि कभी 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 नहीं होगी, वो चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, कैसे भी हो। अब आइए, जिसके इंतजार में आप बैठे हैं उस महा उपाय को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही प्यारे, हमारे जान से प्यारे, बहुत ही मैं उनकी इज्जत करता हूं, सिद्ध पुरुष जिनकी जूठन खा के मैं पला हूं। जूठन मतलब जो उनके पास विद्याएं थी उनमें से जो जूठन होती थी मुझे दे देते थे, उन्हीं का आशीर्वाद है कि इस जूठन को लेकर मैं तमाम लोगों की मदद कर रहा हूं, निशुल्क कर रहा हूं और लोगों को भरकस प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याएं दूर हो जाए, वो भी निशुल्क। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप निशुल्क बोलते तो हैं, निशुल्क बोलते हैं लेकिन जब बात करता हूं काम करने की तो आप सामग्री मंगाते हैं। देखिए दो ऑप्शन, एक सामग्री का होता है ना, लोग सामग्री के बहाने आपसे पैसे भी वसूलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां कुछ ऐसा नहीं, आपको कभी कोई काम कराना आइए, जाके दुकान से सामान लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं यहां कर दूंगा, जो इच्छा होगी दे देना, नहीं होगी मत देना, यहां ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं किसी को बुलाने जाता हूं, ना कहने जाता हूं,
मर्जी हो जाओ। आनी जानी दुनिया राम नाम नदिया, रतन बह जाए इसमें को कौ नहाए। हमारे यहाँ ये अवधिक भाषा का एक भजन है। तो जिसके भाग में रहता है वो निर्णय लेने में कदाचित देरी नहीं करता है। तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी अच्छी बहनें, हमारी माताएं, पिता तुल बुजुर्ग, सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम बताते हैं कि घर में होने वाली घटना को पहले कैसे पता करें। इसे बोलते हैं, इस विद्या को गरुड़ त्रिकाली, गरुड़ त्रिकाली। ये आप किसी भी शुक्रवार से शुक्रवार तक करना है। अब करना क्या है कि गरुड़ बोलते गिद्ध को, बहुत से लोग चील को गिद्ध बोलते, यानी चील को गरुड़ महाराज बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पक्षियों के बारे में, ना किसी ने बताया। गरुड़ एक अलग जाति का पक्षी होता है। वो बहुत ही दूरदर्शी, यानी वो काफी ऊपर रहेगा तो नीचे अगर आप सरसों के दाने फेंक देंगे तो उसको भी वो देख लेता है। नहीं, उसकी नजरें जो होती है तीन खंड विदाशी होती, मतलब वो आने वाले 3 दिन की घटनाओं को वो परख लेता, जान लेता है। ऐसी जगह नहीं जाता जहां खतरा आने वाला हो, तूफान आने वाला, आग लगने वाली, बाढ़ लगने वाला, शिकार फंसने वाला, मतलब एनी टाइप्स का, इतना बुद्धिमान होता गरुड़। तो गरुड़ त्रिकाली ये साधना है। इसके अंदर गरुड़ भगवान, उनको भगवान ही मैं कहता हूं, उनका जहां बड़ा बिग घोंसला होता, बहुत बड़े बड़े घोंसले होते हैं, उसमें वो गरुड़ चीर की एक लकड़ी लाते हैं। जब तक का वो अंडे के नीचे नहीं रखते हैं तब तक उनके अंडे जो होते हैं, ठीक है, वो उनमें जो एक हीटनेस तापमान बनता है वो नहीं बन पाता है। तो वो 5-7 प्रकार का लाके रखते हैं। अब गरुड़, इसको गरुड़ हिचकी भी बोलते हैं, हाँ, गरुड़ धारणी भी बोलते हैं, गरुड़ जिभनी भी बोलते हैं, गरुड़ जिभ्या भी बोलते हैं। ये आमतौर पे आपके यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कहीं, लेकिन ये 3-4 प्रकार की होती है। ये सफेद वाली जो होती है उसी का काम लिया जाता है। अब आप जड़ से उखाड़ के लाओगे वो काम नहीं, वो जिसको गरुड़ अपनी टोंट से, चोंच से उखाड़ के लाके अपने घोंसले में रखा है वही। अब इस लकड़ी को लाके आपको हल्दी लगाना है, चंदन लगाना है, ठीक है, और इसको पूजा वाले स्थान पे आपको रखना है। ये शुक्रवार से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं, पूर्णिमा से कर सकते हैं, ग्रहण, होली, दिवाली, इसमें एक ही दिन में काम हो जाएगा। अगर ये शुभ मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो शुक्रवार से शुक्रवार तक करिए। एक माला जाप करना है, एक माला जाप करना है। मंत्र मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूं, आप लोग देखकर कर लेंगे। कोई नियम नहीं, लकड़ी को सामने रखो, उस जो देव समान लकड़ी है उसको सामने रखो, एक माला डेली करो, और जब माला आपकी एक हो जाए तो कपूर से आरती कर दो और उसके ऊपर गाय का दूध 2 बूंद गिरा दो। एक हफ्ते बाद उस लकड़ी को उठाओ, आरती, पूजा पाठ जो बन सके, फल फूल इत्यादि दीजिए, और उस लकड़ी को आपके शयन कक्ष में, जिधर आप लोग सिर रखते होंगे, उस दीवार पे कहीं पर एक कीली पे या कोई फ्रेम फोटो हो या सीनरी हो उसके साथ अच्छी तरीके से चिपका के रखते हैं। तो जो व्यक्ति पूजन करेगा ये क्रिया, इसका और उसका एक कांटेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट मतलब संबंध हो जाएगा इस पावर का, इसका दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी। आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंटल होने वाला होगा, तब भी भगवती की कृपा से ही आपको बचाएगी, सड़क दुर्घटना में बचाएगी, रेल दुर्घटना में बचाएगी, शत्रु बाधा से बचाएगी, यानी आपकी रक्षा हर तरीके ऐसे भी करेगी। लेकिन होने वाली घटनाओं को ये पहले अवगत करा देगी स्वप्न के माध्यम से, और ऐसा स्वप्न ये नहीं कि आप भूल जाए, ऐसा लगेगा कि मेरी भाई अभी अभी आंख लगी और ऐसा ऐसा मैं देख लिया, वो याद भी रहेगा।
वाह रे हमारे ऋषि मुनि, आप सभी लोगों ने कितनी तपस्या की होगी, कितना बड़ा त्याग किया होगा जो ऐसी विद्याओं को संजो के रखे थे। और आज मेरा यह सौभाग्य कि मैंने उन बुजुर्गों के, उन संतों के, उन महंतों की सेवा की, उनके चरण दबाए, उनकी जूठन खाई, यह मेरा भाग्य था। संत से बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है, साधु से बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है, मां से बड़ी, पिता से बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। गौ माता की सेवा करना परम धर्म है। ये सब तीर्थ वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। संत, साधु, माता पिता, गौ सेवा, धर्म सेवा, ये चारों धाम है। चार धाम इनकी सेवा कर ले, बस चार धाम हो गया। हमारे अयोध्या में देखिए, बड़ी छावनी के महाराज बहुत अच्छे, कितना परोपकार करते हैं। हनुमानगढ़ी के समस्त महाराज लोग कितना परोपकार करते हैं, वो सब उनका आशीर्वाद ही है कि अयोध्या आज हमारी देखिए भव्य हो गई है। अगर आप अयोध्या के जो आदरणीय संत हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं, करता रहूंगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये साधना का इतना बड़ा लाभ है। आपको किसी प्रकार की असुविधा हो, कोई जानकारी चाहिए, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, क्योंकि इतनी अनमोल धरोहर जो मिल गई, वो भी अपने भाइयों को देने के लिए, वो भी अपने देशवासियों को देने के लिए, वो भी अपने सनातन प्रेमी जो भाई हैं उनको देने के लिए। ये मेरा परम भाग है कि आज गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की कृपा से एक दिव्य प्रसाद आप लोगों के बीच दे रहा हूं। बोलिए हर 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 महादेव। आशीर्वाद की कामना बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।